सत श्री अकाल आदाब। मैं विशाल, एनएसएस वॉलंटियर, जीटीबी खालसा पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल दसुहा, सहायक डायरेक्टर प्रीत कोहली जी, युवक सेवाएं हुशियारपुर के माध्यम से मैं आप सब से ये निवेदन करना चाहूँगा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जाए, इसे हल्के में तो बिल्कुल भी ना लिया जाए। जिस तरह सरकार द्वारा या डॉक्टरों द्वारा आपको हदायतें मिली हैं, जैसे कि आपको अपने हाथ बार बार धोने हैं, साबुन से धोने हैं, सैनिटाइजर का यूज़ करना है आपको, मास्क का यूज़ करना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है। डिस्टेंस अपने घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। जैसे कि आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग तो यार रैलियां निकाल रहे हैं, उनको शायद लॉकडाउन का मतलब ही नहीं पता क्या है, लॉकडाउन क्या है। मैं उन सबको ये बताना चाहता हूँ कि वो इन सबसे बहुत बड़ी गंभीर से गंभीर समस्या पैदा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि जैसे बोला था गो साइमन गो, और अब बोलेंगे गो कोरोना गो, तो वो चला जाएगा। ऐसे थोड़ी ना होता है यार। ऐसी बेवकूफियां मत कीजिए, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज जब आप अपने घर पर हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो आपसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। सो इस मौके का फायदा उठाइए। सबसे बड़ी बात, अफवाहों से बचें। अगर आपके पास कोई अफवाह आती है, तो सबसे पहले आप अपने दिमाग से, अपने व्हाट्सएप से, अपने मोबाइल से उसे डिलीट कर दीजिए। जैसे कल हमारे मोहल्ले में से किसी का फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि रात 12 बजे से पहले किसी ने सोना नहीं है, वरना सोते ही रह जाओगे। अब ये क्या बात हुई यार। सो ऐसी अफवाहों से बचें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आज सारे हिंदुस्तानियों को करना चाहिए, बल्कि इस पूरे दुनिया को करना चाहिए, अपने परमात्मा को याद करना चाहिए, जिसे आप मानते हैं, उनका नाम स्मरण कीजिए, उन्हें याद कीजिए। पहले तो ऐसा था कि यार कोई नौकरी में बिजी था, कोई कहाँ बिजी था, अपनी घर की 100 टेंशन थी, बाहर की 100 टेंशन थी, मतलब कई बार तो टाइम मिलता ही नहीं था कि हम अपने परमात्मा को याद करें, उनको टाइम दे पाएं। पर अब तो यार अंबानी भी फ्री है, अब तो हम ये कर ही सकते हैं ना। सो घर पर रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।